तो क्या हाल है मेरे प्यारे रिकैपर्स, मेरा नाम है बिल और आप देख रहे हैं बिल रिकैप इन हिंदी। तो आज की हमारी मूवी है एक यूक्रेनियन टीचर के बारे में जो इतना ज्यादा गरीब होता है कि वो अपनी प्रेग्नेंट बेबी के साथ एक झोंपड़ी में रहता है और कॉलेज में जाने के लिए भी उसे साइकिल का यूज करना पड़ता है। पर एक दिन जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि रशियन सोल्जर्स उसकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, पर जब उसकी बीवी उन्हें रोकने की ट्राई करती है और उन पर हमला करती है तो वो उसे मार देते हैं। फिर अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरता देख कर ये बंदा अपनी कलम को एक साइड पर रख कर आर्मी की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग लेता है, जिसकी वजह से ये 5 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। और इस मूवी में हम यही देखेंगे आखिर ये कैसे अपनी फैमिली का बदला लेता है और उन सोल्जर्स को जो दूसरे देश के होते हैं उन्हें ये कैसे मौत के घाट उतारता है। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है यूक्रेन का एक शहर डेनमस जो बहुत पीसफुल होता है। वहाँ पर मिकोला नाम का एक बंदा अपनी बीवी नेस्टिया के साथ वराने में एक झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रहता है। ये दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नेस्टिया एक आर्टिस्ट होती है और उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी को तराश के बहुत खूबसूरत चीजें बनाना पसंद होता है। एक दिन वो मिकोला की हिफाजत के लिए एक लकड़ी की एंजल बनाकर उसके हाथ पर बांध देती है। मिकोला पास के ही एक कॉलेज में डेली अपनी साइकिल पर पढ़ाने जाता था। उनके घर के बाहर एक शांति का सिंबल भी उन्होंने पत्थरों के साथ बनाया होता है। अब इनके घर में बिजली ना होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी जैसे टीवी मोबाइल, तो इसलिए इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती थी। पर जब मिकोला कॉलेज जाता था तो वो वहाँ पर न्यूज चैनल देख लेता था। ऐसे ही वो एक दिन टीवी पर न्यूज चैनल पर देखता है कि रशिया ने यूक्रेन के मुखालिफ जंग छेड़ दी होती है और यूक्रेन की राजधानी पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया होता है और पूरे देश में बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बना होता है। सब सुनने के बाद मिकोला अपनी क्लास में जाता है और अपनी क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से पढ़ाता है, पर उसी क्लास में इवान नाम का एक लड़का होता है जो मिकोला को जरा भी पसंद नहीं करता और उसे जानबूझकर तंग करता था, पर मिकोला उसकी बात का जरा भी गुस्सा नहीं करता। फिर अगले दिन जब मिकोला स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पर वो रास्ते में दो सोल्जर्स को देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब वो कॉलेज पहुँचता है तो पूरा कॉलेज बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर वो आगे बढ़ता है तो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताते हैं कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया है ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर पाए। ये न्यूज सुनने के बाद मिकोला सारी बात समझ चुका होता है और वो समझ जाता है कि सुबह जो सोल्जर उसने देखे हैं वो रशियन सोल्जर होते हैं और इसलिए वो अपने घर की तरफ बहुत तेजी से जाता है क्योंकि नास्टिया घर में अकेली थी। पर उसके पहुंचने से पहले बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रशियन सोल्जर उसकी बीवी को मार रहे होते हैं। और जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो एक सोल्जर उसे भी मारता है। अब मिकोला उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन्हें बोलता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हम दोनों को छोड़ दो, हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते तुम लोगों को। ये सुनकर वो दोनों सोल्जर्स उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं और वापस जाने वाले होते हैं कि अपने घर को जलता देखकर नेस्टिया एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने वाली होती है कि तभी एक सोल्जर नेस्टिया को गोली मारकर वहीं पर मार देता है। मिकोला ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और कुछ देर बाद वहीं पर दो यूक्रेनी सोल्जर आ जाते हैं जो मिकोला की पहचान करते हैं और उसकी बीवी के लिए कब्र खोदते हैं और उसे बोलते हैं अपनी बीवी को इसमें दफना दे। फिर अपनी बीवी को दफनाने के बाद मिकोला का अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका घर भी जल चुका होता और उसकी बीवी को भी मार दिया होता है। इसलिए वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं भी अब आर्मी ज्वाइन कर अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर उसे अपने साथ अपने मिलिट्री कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में लेने से ना कर देता है क्योंकि वो समझता था कि मिकोला हो सकता है कि रशियन हो और उनकी जासूसी के लिए यहाँ पर आया हो। इस पर मिकोला अपने कमांडर को समझाता है कि उसकी बीवी को उन रशियन सोल्जर्स ने उसके सामने मारा है और उसका घर भी जला दिया है और अब उसका जिंदगी का एक ही मकसद है कि उन रशियन सोल्जर्स को मारे और अपने देश को बचाए ताकि किसी और यूक्रेनियन फैमिली के साथ कभी ऐसा ना हो। ये सुनकर कमांडर उसे अपनी टोली में ले लेता है और फिर मिकोला की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। पर मिकोला को यहाँ पर आर्मी का एबी भी नहीं पता होता, इसलिए वो जब गन्स को देखता है तो वो गन्स वो असेंबल नहीं कर पाता
होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जो देखकर सब सोल्जर यही सोचते हैं कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता। पर मिकोला इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाता है। फिर वो एक दिन अपने साथ वाले सोल्जर्स को बोलता है कि मुझे मिकोला ना बोला करो, बल्कि मेरा कोड नेम रेवन है, उससे मुझे बुलाया करो। जिस पर कमांडर आकर उसे बोलता है कि कोड नेम ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन करने होंगे, फिर तुम कोड नेम रखने के काबिल होगे। ये सुनकर मिकोला अपना फोकस और ज्यादा रखता है और अब वो रात को जब सारे सोल्जर सो रहे होते हैं, मिकोला तब भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। फिर एक दिन कमांडर सबको बुलाता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास स्नाइपर की कमी है, तो जो जो स्नाइपर बनना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। ये सुनकर बहुत कम सोल्जर हाथ ऊपर करते हैं, जिनमें से एक मिकोला भी होता है। मिकोला की ये बात सुनकर सब वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और कमांडर उसे बोलता है कि तुम तो एक गन को सैंबल भी नहीं सही से कर पाते, तुम कैसे स्नाइपर बन सकते हो। पर मिकोला अपने कमांडर को बोलता है कि वो इस सब के लिए तैयार है और वो जो सा मर्जी उसका टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर कमांडर AK-47 को 20 सेकंड में असेंबल करने का टास्क उसे दे देते हैं। पर मिकोला यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और गन को असेंबल करना स्टार्ट करता है और वो सिर्फ 18 सेकंड में ही गन को असेंबल कर दिखा देता है, जिसे देखकर वहां पर बैठा हर कोई बहुत ज्यादा हैरान होता है और जो पहले हंस रहे तालियां मार रहे होते हैं। इसके बाद मिकोला की स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मिकोला इस ट्रेनिंग को भी बहुत सीरियस और फोकस के साथ कंप्लीट करता है। फिर फाइनली वो दिन आता है जब इन सब स्नाइपर्स को गन दी जाने वाली होती है। वहां पर बहुत सी एडवांस गन होती है जो सब स्नाइपर्स को दी जाती है, पर मिकोला को एक पुरानी सी स्नाइपर गन दी जाती है जो सही से चल भी नहीं पाती। अपने साथ ये नाइंसाफी देखते हुए मिकोला अपने सीनियर को बोलता है कि सर मुझे भी एक एडवांस गन चाहिए बाकियों की तरह। पर उसका सीनियर उस पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे बोलता है कि एडवांस गन के लिए पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। जिस पर मिकोला अब मान जाता है और अपने लास्ट टेस्ट के लिए तैयारी करता है। इनका अब लास्ट टेस्ट होता है जिसमें इन्हें बोला जाता है कि ऐसा ही समझे जैसे ये जंग चल रही है और इन्हें छुपकर अपने दुश्मनों पर निशाना लगाना है और निशाना लगाने के वक्त इन्हें बिल्कुल भी जरा भी नहीं हिलना होता और पूरा फोकस अपने दुश्मन पर बर्स करना होता है। इसके बाद इन सब का फोकस चेक करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर इनके पास बारी बारी गन चलाता है और जो भी स्नाइपर गन की आवाज की वजह से डर जाता है वो इस टेस्ट से बाहर हो जाता है। पर जब वो सीनियर मिकोला के पास गोली चलाता है तो मिकोला बिना डरे अपना सारा फोकस बस अपने निशाने पर रखता है। पर मिकोला के पास अभी भी वही पुरानी गन होती है और उसके बाद दूसरा सीनियर वहां से उठ कर आता है और उसे बोलता है तुम्हें अपना निशाना देखने के लिए बस एक ही मौका मिलेगा, और उसके बाद उसके आंखों के सामने एक बोर्ड रख देता है जिसकी वजह से मिकोला का निशाना चूक जाता है। पर यहाँ पर सबको पता होता है कि अगर मिकोला को एक अच्छी गन दी होती और उसकी आंखों के सामने वो बोर्ड ना रखा होता तो मिकोला का निशाना कभी ना चूकता। पर इसके बारे में यहाँ पर अब कोई बात नहीं कर रहा होता। अब रात हो जाती है और इनके रात को निशाना लगाने की काबिलियत देखने के लिए फिर से इनका टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर निशाना लगाने के लिए सीनियर एक फ्लेयर गन चलाता है जो इनके टारगेट के पास गिरता है और इन सबको उसी फ्लेयर गन की रोशनी से अपने टारगेट पर गोली चलानी होती है। पर यहाँ पर मिकोला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैथ बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो फ्लेयर गन की मदद से बस अपने टारगेट की दूरी को नाप लेता है और उसकी लोकेशन को। और जब सब वहां से जाने वाले होते हैं तब मिकोला अंधेरे में गोली चलाता है जो बिल्कुल निशाने के सेंटर में लगती है, जो यहां पर किसी भी स्नाइपर ने नहीं मारी होती। अब अगले दिन इन सब का रिजल्ट आ चुका होता है। मिकोला को उसका सीनियर सलूट करता है और उसे बोलता है तुम सिलेक्ट हो चुके हो, और उसे बताता है कि तुम्हें अभी अपने साथ जरूरी जो भी सामान तुम्हें चाहिए वो लेकर निकलना होगा क्योंकि तुम एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन के लिए दूसरे स्नाइपर्स के साथ अभी निकलोगे। अब इनका मिशन होता है पास ही के एक चेक पॉइंट जिस पर रशियन सोल्जर्स ने कब्जा किया होता है, उसे इन लोगों ने छुड़वाना होता है। यहाँ पर सब स्नाइपर अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाते हैं और इन सबको एक एक सोल्जर निशाने पर दे दिया जाता है। पर इससे पहले ये गोली चलाते वहाँ पर एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आ रही होती है, जिसकी वजह से उनका सीनियर उन्हें गोली ना चलाने का बोलता है, जिसमें से एक यूक्रेनियन कपल बाहर निकलता है। इनसे रशियन सोल्जर इनका पासपोर्ट छीन लेते हैं और इन्हें
टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर कर्नल इन सब स्नाइपर्स को शूट करने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद ये सब स्नाइपर एक झटके में उन सब अपने दिए हुए टारगेट्स को मार डालते हैं और यहाँ पर इनका पहला मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है। मिकोला जब वापस अपनी बेस में आता है तो वहाँ पर देखता है कि उसकी टीम का कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं होता, जिससे की वजह से वो वहाँ के सोल्जर्स से पूछता है, जो उसे बताते हैं कि उसके सारे टीममेट्स यहाँ से एक दूसरे मिशन पर चले गए हैं। फिर उसे पता लगता है कि उसके सारे टीममेट्स को एक स्नाइपर ने मार दिया होता है, जिसका नाम साइरस होता है, जो कि रशिया का सबसे माहिर स्नाइपर है। अब यहाँ पर कुछ दिन बाद मिकोला अपने दूसरे मिशन पर जाता है, जहां पर वो रशियन सोल्जर्स के आने के से पहले वहां पर बॉम्ब फिट कर देता है और फिर वो सब घास में छुप जाते हैं और रशियन सोल्जर्स के आने का वेट करते हैं, जो थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच भी जाते हैं। अब उन रशियन सोल्जर्स में से एक सोल्जर रवान भी होता है, जो मिकोला का पुराना स्टूडेंट होता है, जो उसे बहुत ज्यादा तंग करता था। मिकोला को अपने पुराने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, पर कर्नल की कहने की वजह से वो अपने जज्बात को एक साइड पर रखता है और गोली सीधा उन पॉम्प्स पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अवान के साथ बाकी सारे रशियन सोल्जर्स मर जाते हैं। जिसके बाद जब कर्नल मिकोला से इतने लेट गोली चलाने के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उनमें से एक मेरा स्टूडेंट भी था, जो कि अब रशियन सोल्जर बन चुका था। जिस पर कर्नल उसे बताता है कि ये इवान का अपना फैसला था कि वो रशियर्स में मिल जाता है, तुम्हें इसमें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। अब मिकोला और कर्नल वापस अपनी बेस पर आते हैं और कर्नल मिकोला के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता है, क्योंकि वह अब उस पर यकीन करना शुरू हो जाता है। फिर कर्नल उसे बताता है कि मेरी बेटी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर कर्नल की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, उसे यही लगता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी बीवी भी उसे कभी सच नहीं बताती। इसके बाद मिकोला भी उसे अपनी बीवी की आखिरी निशानी यानी कि वो लकड़ी की एंजल दिखाता है। अब ये दोबारा अपने नेक्स्ट मिशन पर जाते हैं। ये मिशन काफी खतरनाक होता है, इसलिए ये यहाँ पर छुपने के लिए एक गड्ढा भी खोद लेते हैं, जहाँ पर रशियन सोल्जर इस चेक पॉइंट को कब्जे में लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर कर्नल मिकोला के पास ही होता है। यहाँ पर मिकोला को अपनी बीवी का एक कातिल, जो कि वहीं पर खड़ा होता है, वो रशियन सोल्जर भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो कर्नल से पूछता है कि क्या वो गोली चला सकता है, क्योंकि वो सोल्जर उसके निशाने पर होता है। पर कर्नल उसे मना करता है, पर यहाँ पर मिकोला से कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होता है, तो वो दोबारा कर्नल से पूछता है, पर कर्नल फिर से उसे ना करता है। पर मिकोला अपने आप को रोक नहीं पाता और उस सोल्जर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर तो मर जाता है, पर अब रशियन सोल्जर्स को इनके बारे में पता चल जाता है। इस वजह से अब कर्नल भी बहुत ज्यादा मिकोला पर भड़क जाता है और यहाँ पर रशियन सोल्जर्स का सबसे बड़ा स्नाइपर साइरस, उसे भी यहाँ पर इनका पता लग जाता है और वो सीधा कर्नल को ही गोली मार देता है और बाकी सारे रशियन सोल्जर्स इनके ऊपर ग्रेनेड फेंक रहे होते हैं। पर मिकोला किसी तरीके से कर्नल की बॉडी को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब वो कैंप में वापस तो आ जाता है, पर वो बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से यहाँ पर कर्नल भी मर जाता है। इस वजह से अब वो अपने आप से वादा करता है कि वो साइरस को कहीं से भी ढूंढ कर जान से मार देगा। इसलिए वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए अकेला निकल जाता है, जहां उसका मिशन होता है रशियन स्नाइपर्स को मारने का। वो वहां पर जाकर छुप जाता है और छुप कर एक रशियन स्नाइपर को मार देता है, पर ये देखकर दूसरा रशियन स्नाइपर अलर्ट हो जाता है। वो मिकोला को ढूंढ कर उस पर फायर कर देता है, जो गोली मिकोला के बाजू को छू कर निकलती है, पर मिकोला फिर भी एक हाथ से ही उस स्नाइपर को मार देता है। इसके बाद इसके बाजू जख्मी होती है, इसलिए ये पास के एक सेफ हाउस में जाकर अपने जख्म के सही होने का वेट करता है, पर वहाँ पर ही सीनियर की उसे कॉल आ जाती है, जो उसे बताता है कि हमें यहाँ पर उस स्नाइपर साइरस का पता चल चुका है, जिसने कर्नल को मारा था। सीनियर मिकोला को बोलता है, तुम जल्दी से अब कैंप में आ जाओ, जिसके बाद मिकोला वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अब सीनियर साइरस के बारे में सब कुछ बताता है कि उसकी गोली की रेंज बहुत ज्यादा दूर तक जाती है और वो पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, ताकि यूक्रेनियन सोल्जर्स का हौसला तोड़ पाए। उसने अभी तक 5 यूक्रेनियन स्नाइपर्स को और
तीन मशीन गन वालों को मार चुका होता है। पोस्ट करने की वजह से साइरस का यूक्रेनियन आर्मी को पता चल जाता है, जो और ये वहां पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। एक सोल्जर इन्हें बोलता है कि हमें वहां पर माइंस बचा देनी चाहिए, पर मिकोला उसे बोलता है कि जब तक हम वहां पर माइंस बचाएंगे साइरस हमें मार चुका होगा। इसलिए इनका प्लान होता है कि ये दो टीम में बढ़ जाएंगे, एक वहां पर दूसरी आर्मी का ध्यान भटकाएगी, जिसकी मदद से मिकोला उस बेस के अंदर घुस जाएगा और अंदर के सारे स्नाइपर्स को मार डालेगा। ये प्लान बनाने के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर ये बाहर के सोल्जर्स का ध्यान भटकाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके मौके का फायदा उठाता है मिकोला और अब बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। मिकोला अंदर जाते ही दो रशियन स्नाइपर्स को देखकर उन्हें फौरन जान से मार देता है, और उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तो अपने दूसरे स्नाइपर साथियों को भी बोलता है कि मेरा रास्ता क्लियर करो, जिसके बाद वो बाकी यूक्रेनियन सोल्जर्स को भी मार देते हैं। फिर वो जब बिल्डिंग के अंदर जाता है पर अब सीरी को भी शक होता है, क्योंकि कोई भी सोल्जर उसे वापस रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो छत पर जाता है जहां पर एक और रशियन स्नाइपर ऊपर होता है, पर वो भी मर चुका होता है। जिसके बाद साइरस वापस अपनी जगह पर आता है और अपनी गन से निशाना लगाने वाला होता है, पर उसकी नजर वहां पर मिकोला की वाइफ के दिए हुए उस एंजल पर पड़ती है, पर इससे पहले उसे कुछ समझ आती मिकोला उसे जान से मार डालता है। पर यहां पर एक और स्नाइपर होता है जो साइरस की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता मिकोला उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। पर साइरस जब ऊपर जाता है तो रशियन आर्मी से बैकअप मांगता है, जिसकी वजह से अब वहां पर रशियन आर्मी भी आ रही होती है और वो उससे कॉल कर पूछते हैं, पर वहां पर कॉल तो मिकोला उठाता है और उसे बोलता है कि तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका है, और वो ये बोलते ही उस सोल्जर को जान से मार देता है, जिसे देखकर वहां पर बाकी सोल्जर भी रशियन बाहर निकलते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स ने उन्हें घेर के रखा होता है और वो उन सबको मार डालते हैं। अब इन सब के मरने के बाद मिकोला वापस अपनी बीवी की कब्र के ऊपर जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपना बदला ले लिया और उन सब रशियन सोल्जर्स को मार डाला, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।